गोवा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, अरंबोल बीच जा रहे हैं। तो आई हूँ यहाँ 7 बजे सुबह में पहुँची हूँ और बिंदा सोई हूँ और 1 बजे उठी हूँ। ब्रेकफास्ट मुझे कुछ नहीं हुआ है, आंधी में फ्रेश हो गई थी, शावर लेके सो गई थी और 1 बजे उठी हूँ रेडी सेडी होके। अब हम निकल गए हैं, तो अभी हम जाएंगे अरंबोल बीच और वहाँ घूमेंगे और लंच करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। स्टार्ट करते हैं गोवा का ट्रिप यहाँ से। और हमारा यहाँ काफ़ी टाइम है, अभी हम बहुत दिन रुकने वाले हैं गोवा में, तो गोवा में रुकेंगे बहुत दिन के बाद देखेंगे। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को साथ में लेके जाऊँगी। इतना सारा स्नेक का वो है ना यहाँ, एक्चुअली है यहाँ रहता है जंगल है ना ये। तो गए, जैसा कि आप लोग इससे पहले वाले ब्लॉग में देखे थे कि मैं केरला से निकल गई हूँ, बट कहाँ जा रही हूँ ये मैं नहीं बताई थी। तो मैं पहुँच गई हूँ गोवा और आज हमारा गोवा में फर्स्ट डे है और आज हम जा रहे हैं जैसा कि मैं बताई कि अरंबोल बीच से हम स्टार्ट करेंगे अपनी गोवा की जर्नी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं कि मैं कितने एक्साइटेड हूँ। तो पता नहीं मुझे वाटर को देख के ना क्या हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है यार। कोई भी बीच पे जाना, पानी में खेलना या स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, पानी देखते ही मैं पागल हो जाती हूँ, सच बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और अभी तो हम यहाँ हैं तो आप लोगों को डेली डेली पानी में खेलते हुए मैं नज़र आने वाली हूँ। तो गाइस, जैसे आप लोग केरला वाले ब्लॉग को प्यार दिए हैं वैसे गोवा वाले ब्लॉग सबको भी भर भर के प्यार देना, क्योंकि मेरे केरला वाले जितने भी ब्लॉग थे ना आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर रिस्पॉन्ड करा है, बहुत अच्छे से कमेंट करे हैं, लाइक करे हैं, शेयर करे हैं और व्यूज़ भी अच्छा खासा आया। तो आप लोग गोवा वाले ब्लॉग को भी अच्छा खासा व्यूज़ देना, और अगर ब्लॉग शेयर करते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, व्यू भी थोड़ा बढ़ जाता है और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ इच्छा हो मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना आप लोग। तो गाइस, हम यहाँ घूम रहे हैं और लंच ये सब करना था वो सब कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी जिस दिन से No!
तो गई हम बहुत टाइम तक यहाँ बीच पे रहे, बाकी सभी तो बैठ गए, बट मैं पानी में ही खेलती रही और देखते देखते सनसेट होने लगा। और सनसेट देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है, किसी बीच पे आप रहो और सनसेट देखो ना तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ कैसे शाम हो गया ना कुछ पता नहीं चला है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूँ कि हस्बैंड को ना पानी से बहुत मतलब पानी में खेलना उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं उनको ना घिंच घिंच के लेके आई पानी में। और जैसे पानी में आया वैसे उनका पूरा पैंट भी गीला हो गया, उसके बाद तो उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई। और पानी में आ जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, बट वो पानी में उतरना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि मैं पानी में बहुत खेलती हूँ, बट हस्बैंड या तो मेरा वीडियो बनाते हैं या ऊपर में बैठे रहते हैं, बट आज मैं घिंच के ले चली गई। चलो यहाँ मतलब बीच पर आए हैं, पानी से खेले तो मजा नहीं आता है यार, तो मैं उनको खींच के लाई और बट उनको भी बहुत मजा आया खेलने में। पानी में पे ना कुछ ज्यादा ही मस्ती करने मजा आ रहा है। अभी तो हमारी स्टार्टिंग का फर्स्ट डे है हमारा, यहाँ में पूरा ही गिरी हो गई, मतलब मैं गिरी होगी ये सोच के नहीं आई थी, बट पानी देखे ना बताया कि मेरे मतलब मैं रहा ही नहीं जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सूख जाएगा थोड़ी देर में, मैं तो यही से एक ड्रेस ले लेंगे क्योंकि ड्रेस लेके आई नहीं थी मैं, वही सोची ओह गॉड तो ड्रेस लेके आई नहीं मैं, सोची थी नहीं गिरी होगी, बट बोलते हैं ना हाँ बनवाऊंगी यहाँ पीछे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देखे इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मैं आज ही केरला से यहाँ गोवा पहुँची हूँ, और इतनी टायर्ड कर दी हूँ ना खुद को केरला में घूम घूम के कि गोवा में मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। बट गोवा में फर्स्ट डे था तो ब्लॉगिंग ना करूँ तो वो हो नहीं सकता, इसलिए ब्लॉगिंग तो स्टार्ट कर दी बट कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। कभी यहाँ शूट कर रही हूँ, कभी वहाँ शूट कर रही हूँ, और ऐसे ही हमारा टाइम हो गया, शाम हो गई है, टाइम ऐसे ही निकल गया। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ एक लेक है वो देखने के लिए, तो चलिए आप लोगों को भी लेके जाएंगे। और यहाँ ये छोटी सी जो लोकल मार्केट है ना उसको क्रॉस करके हम लेक देखने के लिए जाएंगे, बट शाम हो गया तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, जो जैसे होगा आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं। छोटा सा मार्केट है दोनों साइड में।
सो गाइस बहुत ही शाम हो गया था और जब हम वहाँ पहुँचे हैं लेक से थोड़ा पीछे थे तो बहुत सारे रिटर्न हो रहे थे और बोल रहे थे कि कुछ नहीं दिख रहा है अंधेरा में लेक, और वहाँ ना लाइट भी नहीं होती क्योंकि लेक के पास कौन लाइट लगाएगा यार, इसलिए कोई लाइट वाइट नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा, तो आप लोग ना जाओ वही सही है और जाना भी थोड़ा सा टफ है। तो हम लोग वहीं से रिटर्न हो गए, बस इसके जस्ट आगे और यहाँ से रिटर्न हो गए। मार्केट देखते देखते हम भी कुछ शॉपिंग कर लिए, और क्या शॉपिंग की हो ना वो पहने ही तो बताऊँगी। अच्छा जी, काफी दिनों से मन था कुछ लेने का, मतलब इस टाइप का, बट दिख नहीं रहा था, यहाँ दिखा तो मैं ले ली। अच्छा मैग्नेट तो है, ये देखो कुछ कुछ तो ली हूँ इसके अंदर, जब पहनूंगी तो अच्छे से पता चलेगा क्या ली हूँ। या फेस कैसा लग रहा है गर्मी से? गोवा का कुछ लिखा हुआ है, गोवा वाली ये है क्रोकोडाइल वाली, अच्छा लग रहा है क्रोकोडाइल। अरे अपने घर में बहुत हो गया है ना ये, हर जगह अलग अलग है ना, ये ले रहा कौन सा अलग कौन सा लेगा तूने? ये ले लो लीजिए, नहीं इस टाइप पर। तो गाइस देख सकते हो आरंबोल बीच नाइट टाइम में कैसा लगता है लाइटिंग में, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बहुत कम ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा नाइट का नज़ारा किसी भी बीच का, क्योंकि जो भी ब्लॉगर होते हैं ना वो डे टाइम में ब्लॉगिंग करके निकल जाते हैं, बट मेरा था कि हम यहाँ आफ्टरनून में आए हैं और रात में डिनर करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, तो मैं सोचा चलो रात का जो सीन है उसको भी कैप्चर किया जाए। वैसे तो मैं कल पूरे रात सोई नहीं हूँ, केरला से निकली और बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुँची, और बेंगलोर में हमें रुकना पड़ा, आप लोग के साथ सब कुछ शेयर किया हुआ। तो सुबह हम गोवा पहुँचे हैं और पूरे रात नहीं सोई हूँ, फिर भी मैं आज मतलब इंजॉय कर रही हूँ, देख सकते हैं कितनी एनर्जी है मेरे अंदर, मतलब घूमने के नाम पे ना मुझे सच में नींद नहीं आती है। सर लास्ट साइज एक कैंडल वाला आप ले जाते हैं, ये वेट था बॉटम यूज हो गया है ना, एक आपका। गाइज हम यहीं बीच में बैठ गए और बहुत ही अच्छा लग रहा, और अभी से 12 o'clock तक हम यहीं रहने वाले हैं। सो गाइज आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ स्टे करी हूँ, कहाँ क्या करी हूँ, कैसे पहुँची, ये सब कुछ नहीं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पा रही। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगी कि हम कहाँ रुके हैं, क्या किए हैं, सब आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। आप लोगों से जो भी न्यू होंगे इस चैनल पर, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो चलिए मेरा तो वाटरमेलन जूस आ गया है, इसको मैं इंजॉय करती हूँ और फिर बातें करती हूँ कुछ देर में आप लोगों से। सो गाइस हमारा डिनर चल ही रहा था, पता नहीं मेरे मन में क्या खुराफात सूझा कि चलो थोड़ा सा समंदर के साइड में होके आते हैं, और मैं यहाँ आई ना यार, जो दिन में नहीं दिखा ये समंदर साइड में रात में मुझे दिखा। ये सारा जो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये वाइट वाइट सारा ये सीप आ रहा है पानी के साथ, और ये सारे सीप ना मतलब लाइव सीप जो जिंदा होता है ना उसको मैं ना पहली बार देखी हूँ लाइफ में इस तरीके से। ऐसे तो जब भी बिकते हुए देखती हूँ तो डेड होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, बट ये लाइव जो था ना मुझे देख के इतना मतलब वो हुआ ना कि इस तरीके से चल, देखिए सारा ये चल रहा है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा जितना सारा सीप आ रहा था ना पानी में सभी चल रहा था, और मुझे ना इतना लगा कि मतलब इस चीज़ इस तरीके का ना मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी हूँ। वैसे तो मैं बीच में बहुत बार गई हूँ बट इस तरीके से रात में मैं कभी बीच पे रुकी नहीं थी, और अभी आज हम काफ़ी लेट नाइट यहाँ रुके थे और ये सब चीज़ मुझे देखने को मिला, इतना अच्छा लग रहा था ना यार। बोलते हैं ना लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वही हो रहा है, और मैं सबको बुलाई कि देखो ये पानी में सीप आ रहा है, और देखिए आप लोग भी
देख सकते हैं सभी जितना सारा सीप है ना चल रहा है। पानी के साथ बहुत सारा साइड में आता था और पानी के साथ ही यहाँ रुक जाता था और फिर दूसरे पानी के साथ ये निकल जा रहा था यहाँ से। ये सब चीज़ बहुत कम को देखने को मिलता है और लकी मैं थी कि मुझे दिख गया, तो मैं सोच चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोग भी देखो मेरे ब्लॉग के थ्रू कि लाइव सीप किस तरीके से चलता है, पानी में चल के किस तरीके से आता है। तो चलिए मैं तो यहाँ इंजॉय करूँगी और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।